मुझे कोई जानकारी नहीं। मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री, ठीक है ठीक। अब आप ये देख सकते हैं, तो बिल्कुल आप मूलचंद जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उनको अभी तो मनोहर लाल मुख्यमंत्री हैं। और देखिए रिएक्शन सामने आ रहे हैं, ये हलचल आज सुबह से बढ़ी और इस हलचल का नतीजा अभी आपके सामने आ चुका है। मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है, कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है और अभी जो कैबिनेट में उनके साथी रहे हैं, जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है तो सभी ये कह रहे हैं कि नया नाम तो नहीं, खट्टर ही सीएम होंगे। मंत्री जी का जो भी आदेश था जिस तरीके से था उस तरह कर दिया। नए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही होंगे, कोई और हो सकता है? पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी सर्वोपरि है हमारे लिए सब, और हम पार्टी के साथ हैं, जो पार्टी का आदेश होगा। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जितने भी विधायक हैं, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं और कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री के आदेश पर हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए जितने भी मंत्रियों से बातचीत की जा रही है, जितने भी विधायकों से बातचीत की जा रही है, वो यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही होंगे। टूटने की क्या असल वजह कह रही है सर? देखिए हमने पहले आपसे कई बार पहले मैंने कहा है आपसे कि हमारा जो समझौता था वो समझौता हमारा केवल सरकार चलाने का समझौता था, चुनाव लड़ने का समझौता हमारा था ही नहीं जी। तो हमने कभी चुनाव लड़ने का समझौता किया ही नहीं था कि हम इकट्ठे चुनाव लड़े। नहीं कोई पेच नहीं है पहले, नहीं 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 बिल्कुल कोई पेच नहीं है। हमने पहले दिन से ये बात कही है कि हमारा समझौता था सरकार चलाने के लिए समझौता था, मिलके चुनाव लड़ने का हमारा कोई इस प्रकार का समझौता था नहीं। हमने पहले भी कहा और आज भी कह रहे हैं। मंत्रिमंडल के एक बार फिर से रिपीट किया जाएगा, वही चेहरे जो है वो देखने को मिलेंगे, क्या कुछ रहेगा? देखिए इसके बाद इसके बारे में तो जो अभी निर्णय होगा, विधायक दल की बैठक है और मुख्यमंत्री इस बारे में निर्णय करेंगे, अब कौन मंत्री होगा कौन नहीं होगा। संजय भाटिया करनाल से यहाँ पर खास तौर पर इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और उनका नाम जो है वो मुख्यमंत्री के लिए। देखिए कार्यकर्ता जो है वो निश्चित तौर से आ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। संजय भाटिया जी भी आए होंगे और भी लोग, मिराहल पार्टी के और लोग भी आए होंगे, सभी विधायक भी आए हैं और वो सांसद है हमारे, जो हमारे 10 के 10 सांसद हमारे हैं, तो निश्चित तौर से सांसद आए होंगे। कंवरपाल जी, आज जो कुछ हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सीएम इस्तीफा दे चुके हैं, पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे चुका है? नहीं, एक प्रक्रिया है देखिए इस तरीके की, जब मान लीजिए जो मंत्री हैं अगर वो उस समय इस्तीफा नहीं देते तो उस समय माने मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और मुख्यमंत्री का इस्तीफा देने के बाद सारे जो है कैबिनेट का इस्तीफा पड़े मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो जाता है। देखिए मेरे देखिए अभी विधायक दल की बैठक है और हमारे जो प्रभारी हैं वो जो आ रहे हैं और मेरा मानना है कि जो मुख्यमंत्री है वही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो जो मुख्यमंत्री हैं वही मुख्यमंत्री रहने चाहिए, ये तो कैबिनेट मिनिस्टर्स कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल हरियाणा की सियासत में सुगबुगाहट इस बात को लेकर है कि मनोहर लाल खट्टर अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और नायब सैनी जो अभी कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। रिएक्शन क्या कुछ है? देखो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सारे सामूहिक मंत्रिमंडल का इस्तीफा माननीय गवर्नर साहब को दिया है और उसके बाद अब विधायक दल की बैठक होगी, उसमें क्या डिसाइड होता है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा? नहीं नहीं, ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो विधायक दल का फैसला करेगा। क्या आप मनोहर लाल खट्टर के साथ हैं या कोई और नाम? नहीं नहीं, बिल्कुल हम मनोहर लाल जी के साथ हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है।